वर्षा गायकवाड़ जी, इंडिया गठबंधन के स्टेज पे वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है, शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक पार्टी को, एक विचारधारा को अपने लोग हिंदुस्तान की हर संस्था में डालने हैं। यह इंडिया गठबंधन कभी नहीं करता है। आप देखिए, आज देश में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाली है, उस लिस्ट में आपको मेरिट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन सिर्फ आरएसएस की मेंबरशिप का है। वाइस चांसलर बनना है, आरएसएस की मेंबरशिप लीजिए। साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम हो, कुछ मालूम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस के हो, सीधा आपको उसमें जगह मिलेगी। और ये एक संस्था के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार आपकी सरकार हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, और उस सरकार को चोरी कर पैसा देकर हटाया गया। क्यों? क्योंकि वो 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते। आप जानते हो, मुंबई जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की जमीन, 1,00,000 करोड़ रुपए की जमीन, आपकी जमीन, गरीबों की जमीन,
आपके आंखों के सामने